अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने अफजामान में खराफियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बहुत सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट है, मूजली, और इसको मैं अक्सर ले लेती हूँ। काफ़ी एनर्जी रहती है और काफ़ी हेल्दी होता है, तो अक्सर इसको दो चार दिनों में एक दफ़ा मैं ज़रूर खा लेती हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद नॉर्मल रूटीन में आ गई थी मैं, और आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ अपने ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग भी। और आज ही मेरा पार्सल जो है वो आया था, ऑनलाइन मैंने मंगवा लिया था लाज़ादा से, तो बस उसको ही देखना था। और देखते हैं कैसा है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और मुझसे ज़्यादा अब्दुल बारी एक्साइटेड था इसको लेके, क्योंकि वो देखना चाह रहा था। क्योंकि फ़र्स्ट लास्ट टाइम जब मैंने ट्राईपॉड लिया था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। उसको मैंने ख़ुद से परचेज़ किया था शॉप से, तो अब ऑनलाइन मंगवाया है। तो आई होप कि ये इसका रिज़ल्ट अच्छा हो, क्योंकि लज़ादा से जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ चीज़ अच्छी मिल जाती है और रिलायबल भी होती है। तो लेट्स सी, अब्दुल बारी इसकी हुई जो है वो अनबॉक्सिंग करेगा। तो इसके साथ एक और न्यूज़ आपको दे दूं कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन तो चल ही रहा था, लेकिन कल से जो है वो लॉकडाउन को इन्हेंस कर दिया गया है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कंट्रोल चल रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो है बस बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होगी। और कल से जो काम खुले हुए भी थे लोगों के, वो भी टोटली बंद करवा दिए जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स जो है वो खुलेंगे, और उसके लिए भी एक बंदा बाहर जा सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता कोई। और बहुत ज़्यादा चेकिंग जो है बढ़ा दी जाएगी कल से मज़ीद, वैसे भी हो ही रही है, चेक पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं और कल से मज़ीद लग जाएंगे। तो बस ये काफ़ी टेंशन हो गई, क्योंकि हमारा भी काम जो चल रहा था तो वो भी कल से जो है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारे साथ जिन जिन के और के कुछ काम खुले हुए थे वो भी कल से बंद हो जाएंगे। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जल्दी से जो है इस वबा को यहाँ पे कंट्रोल कर ले, और ताकि जो काम बंद हुए हैं या होने लगे हैं वो वापस खुल जाएँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं, तो फिर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़, अल्लाह से अच्छी उम्मीद हमेशा से रखिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी बेहतर कर देगा। तो अब्दुल बारी जो है इसको हर तरीके से चेक कर रहा है, और इसको जो है ये तीन मंजिला सा है तो इसको खोल के देख रहा है। तो आई होप इसका जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो है कुकिंग वीडियो मैंने इसके साथ ही बनानी है। तो अगर ट्राईपॉड अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। और अभी तो ये काफ़ी जो है कमज़ोर सा लग रहा है मुझे, और यहाँ पे आके मेरी और अब्दुल बारी की जो है थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी कि ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो उसके बाद ही हमें चंद सेकंड में समझ आ गई थी कि इसके जो है लॉक्स लगे हुए हैं, उन लॉक्स को लगाना है। तो अब्दुल बारी बस उस लॉक को ही लगा रहा था। तो उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने देखा कि ट्राईपॉड काफ़ी अच्छे से खड़ा हो गया है, और मोबाइल की अब सेटिंग हम देख रहे थे कि किस तरीके से होगी, और मोबाइल स्टैंड को इस पर फिक्स कर रहा था अब्दुल बारी। और इसके साथ ही फिर जो है इसका जो है इसको मज़ीद जो है आगे टॉल किया जा सकता था, यानी काफ़ी अच्छा था प्राइस के हिसाब से, बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई थी। आई होप कि ये काफ़ी टाइम हमें साथ दे जाएगा। तो अभी हम इसके साथ गुजारा करेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी जो जो चीज़ें हमें व्लॉगिंग के लिए और कुकिंग वीडियो के लिए जो है वो ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो साथ साथ ख़रीदते रहेंगे। बस यहाँ का जो है लॉकडाउन जो है एक दफ़ा खुल जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है ऑनलाइन नहीं मंगा सकते। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।